माइनस प्लस होगा तो क्या होगा जी? माइनस होगा, प्लस माइनस होगा तो माइनस, प्लस प्लस होगा तो प्लस, माइनस और माइनस में इनटू यानी गुणा होगा तो प्लस होगा। इसको ध्यान देना है, इसको ध्यान देने के बाद तो बनाना है। यहाँ पे देखना है माइनस और प्लस में गुणा होगा तो क्या होगा? माइनस होगा। प्लस में माइनस में गुणा होगा तो माइनस होगा। प्लस और प्लस में गुणा होगा तो प्लस होगा। और वही माइनस माइनस में गुणा होगा तो प्लस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऐसे रहेगा, है ना? यहाँ पे देखो आठ प्लस माइनस सेवन, है ना? तो यहाँ पे प्लस माइनस, तो यहाँ पे तुमको ध्यान देना है प्लस माइनस क्या होता था? प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आठ है, आठ उतारेंगे, प्लस और माइनस को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या है जी? सेवन, यानी सात, सात उतारेंगे। अब तुम इसको क्या करोगे, सात में माइनस आठ, आठ में से सात घटाना है, घटाना है ना? क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक हो जाएगा। जी यहाँ पे देखना है, अब क्या नौ माइनस माइनस दो, यानी कि यहाँ पे माइनस और माइनस है, क्या है यहाँ पे? माइनस और माइनस में गुणा करना है। तो देखो माइनस माइनस क्या है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस होता है, नौ उतारेंगे, उसके बाद माइनस माइनस क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और यहाँ पे क्या है जी? दो है ना। अब क्या करेंगे इसको, इसमें क्या होगा? माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे नौ प्लस क्या करेंगे? दो। अब क्या करेंगे? प्लस है, जोड़ देंगे, ऐड कर लेंगे ना, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ग्यारह। इस तरह से बन जाएगा सब, बाकी सब ना बस ये याद रखना है क्या, माइनस प्लस रहेगा, जब माइनस और प्लस में गुणा होगा तो माइनस होगा, प्लस माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा? माइनस होगा, प्लस प्लस में गुणा होगा तो प्लस होगा, और माइनस माइनस में गुणा होगा तो माइनस होगा, सॉरी प्लस होगा, माइनस माइनस में गुणा होगा तो प्लस होगा। तो ई जब याद रह जाएगा, पूरा याद हो जाएगा, अब बन जाएगा, बन जाएगा ना। अब देखो ई कैसे बनेगा बताओ, देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले इसको करेंगे कोष्ठ जो है उसको हटाएंगे, आठ लिखेंगे, प्लस माइनस क्या होगा बताओ? प्लस कहाँ पे है? प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा ना, माइनस दो है तो दो लिखेंगे, फिर प्लस क्या है जी? सात। अब क्या करेंगे, पहले जोड़ते हैं या घटाते हैं? ऐड करेंगे ना। अब बोलो कौन कौन जोड़ेंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, आठ सात जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? पंद्रह। बोलो पंद्रह, पंद्रह माइनस क्या करेंगे? माइनस दो, क्या बचेगा? पंद्रह में से दो घटा देंगे तो क्या बचेगा? इस तरह से बन जाएगा, बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो माइनस आठ माइनस दो, अब तुम लोग कहेगा कि माइनस माइनस तो क्या होता है जी? प्लस होता है, होता है ना, लेकिन यहाँ पे गुणा ना हो रहा था इसीलिए माइनस माइनस के बीच में तब ना प्लस हो रहा था, यहाँ पे गुणा थोड़ा हो रहा है, गुणा हो रहा है नहीं। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा माइनस आठ और माइनस दो, यानी दोनों जगह क्या रहेगा? माइनस रहेगा। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या करेंगे? अंक को जोड़ देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे, यानी अंक जो रहेगा वो आपस में जुड़ जाएगा, और जो चिन्ह रहेगा माइनस का चिन्ह रहेगा। जब यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ध्यान दो, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये गुणा नहीं हो रहा है, यहाँ पे गुणा हो रहा था, हो रहा था ना गुणा, यहाँ पे गुणा नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यानी कि माइनस आठ और माइनस दो, तो क्या करेंगे? माइनस माइनस चिन्ह माइनस का रह जाएगा, अंक जो है क्या हो जाएगा? आपस में जुड़ जाएगा, तो जोड़ दो, बता दो क्या हो जाएगा? दस। ठीक
ठीक है, माइनस दस। माइनस क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस आठ माइनस दो दोनों जगह जब माइनस लगेगा तो माइनस का चिन्ह लगेगा और अंक क्या होगा आपस में जुड़ जाएगा बन जाएगा। और यहाँ पे देखो देख बोलो बोले दो। अब देखो यहाँ पे माइनस आठ प्लस माइनस थ्री अभी कैसे बनेगा, सबसे पहले माइनस आठ को उतारेंगे जैसे उसे। अब यहाँ पे इसके रूप में आ गया गुणा के रूप में प्लस माइनस क्या है प्लस माइनस क्या होगा प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस थ्री। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा तुम लोग बताओ। माइनस पाँच माइनस पाँच यहाँ पे पाँच कैसे बताया हम तुमको क्या होगा माइनस जब रहेगा दोनों जगह माइनस जब दोनों जगह रहेगा माइनस का चिन्ह लग जाएगा और दोनों अंक रहेगा क्या होगा ऐड हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा तो माइनस माइनस है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा बाबू। आठ और तीन जोड़ देंगे क्या हो जाएगा ग्यारह। ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है। और देख लो अब इसको कैसे बनेगा देखो क्या करेंगे सबसे पहले कोष्ठ को काम करेंगे कोष्ठ हटाएंगे यहाँ पे माइनस क्या है माइनस नौ प्लस माइनस बताओ क्या होगा माइनस होगा थ्री प्लस टू यही है ना। अब इसमें बताओ क्या करेंगे अब इसको क्या करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा चिन्ह माइनस का रहेगा रहेगा माइनस माइनस चिन्ह माइनस का रहेगा अंक क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा तो जुड़ने के बाद क्या होगा बोलो क्या होगा नौ तीन बारह और यहाँ पे प्लस दो है। अब देखो एक यहाँ पे कैसे बताओ इसका आंसर बता सकते हो क्या होगा इसमें तुम लोगों को ध्यान देना है दोनों में से बड़ संख्या माइनस का छोड़ देना है माइनस नहीं ध्यान देना है इसे बताया संख्या देखा पर कि माइनस वाला जो जितना बड़ा है उतना छोटा मनाता है तो यहाँ पे माइनस नहीं ध्यान देना है दोनों में देखो बारह और दो में कौन बड़ा है बारह बारह बड़ा अंक है उसके आगे क्या कौन सा चिन्ह लगा है प्लस या माइनस माइनस जो लगा रहेगा वही काम होगा तो इसके आगे क्या लगा है माइनस तो माइनस का काम करेंगे और चिन्ह भी माइनस का लगाएंगे तो करो बताओ क्या हो जाएगा बारह में से दो घटा दो यहाँ पे चिन्ह देखना है बारह संख्या के आगे जो चिन्ह रहेगा वही काम करना है तो बारह संख्या बारह है उसके आगे माइनस है तो माइनस है तो क्या करेंगे बारह में से दो घटाएंगे दस बचेगा दस बचेगा ना और क्या करेंगे घटाने के बाद माइनस लगाएंगे क्योंकि बारह थ्रू माइनस है इस नियम से ही बन जाएगा लेकिन मेरे नियम से देखो यहाँ पे क्या है माइनस बारह प्लस दो है इसी को ना बनाना है यहाँ पे क्या करेंगे रफ में दूसरे जगह माइनस बारह प्लस दो है तो दो को यहीं पर रख देंगे दो को यहीं पर रख देंगे माइनस बारह को इधर ले आ देंगे माइनस बारह को इधर ला देंगे यानी देखो दो को यहीं पर रख देंगे और माइनस बारह को इधर ला देंगे दो तो प्लस में है तो प्लस में शिफ्ट जाएगा प्लस रहेगा और माइनस बारह को क्या करेंगे इधर ला देंगे दूसरा जगह रफ में करेंगे काम या फिर अपने मन में भी कर सकते हैं ठीक है। यहाँ पे दो और माइनस बारह इधर करेंगे अब यहाँ पे दो में से बारह घटेगा नहीं ना दो में से बारह नहीं घटेगा बारह में से दो घटेगा तो बारह में से दो घटाओ दस बारह में से दो घटाओ दस सीधा नहीं घटा है नहीं घटा है ना उल्टा घटा है सीधा काम नहीं किया है उल्टा किया है तो उल्टा जब करेंगे तो माइनस लगा देंगे आ गया। देखो कैसे किया है यहाँ पे देखो माइनस बारह प्लस दो है तो दो को यहीं पर रख दो जहां दो है वहीं पर रख दो बस माइनस बारह इधर वाला जो है माइनस बारह इधर ला दिया है ना तो दो माइनस बारह हो गया दो में से बारह घटेगा नहीं यानी कि दो में से बारह नहीं घटेगा। अब बारह में से देखो कि दो घट जाएगा ना तो बारह में से दो घटाएंगे तो दस बचेगा और सीधा काम नहीं किया है उल्टा काम किया है तो माइनस लगा देंगे उसमें जैसे सीधा नहीं घटाया उल्टा घटाया है ना माइनस लगा देंगे माइनस दस। इस नियम से भी समझ में आ गया इस नियम से भी समझ में आ गया ना कोई दिक्कत चलो बना दे इसको याद रखना कर लेना कहीं कोना पे साइज
4.2 में है, एक्सरसाइज 4.2 में है, ठीक है। दूसरा का पहला सवाल, 9 + - 6 बनाओ जल्दी जल्दी। दूसरा 5 + - 6 बनवाए थे, फिर बनाओ। सी 1 + - 7 डी बनाओ, 5 + 6 चलो बनाओ, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत बनाने में? ठीक है बाबा।